सास ने बहू की बात सुनकर क्या कहा? दिव्यानी जी आंखों पर चश्मा चढ़ाए एक मोटा सा रजिस्टर लिए बैठी हिसाब किताब देख रही थी। दिव्यानी जी घर के सारे खर्च और आमदनी का हिसाब किताब रखती थी। तभी उनके पति ओम प्रकाश जी ने उन्हें आवाज लगाते हुए कहा, अरे भाग्यवान, अब क्या सारा दिन हिसाब किताब ही करती रहोगी? कुछ समय इस बूढ़े के साथ में गुजार लो। दिव्यानी जी ने उन्हें आंख दिखाते हुए कहा, बूढ़ा किसे कहा जी आपने? आप मेरे पति हो और मेरे पति को कभी बुढ़ापा नहीं आ सकता। इतना कहकर वो खिलखिलाने लगी तो ओम प्रकाश जी की हंसी भी उनकी हंसी में शामिल हो गई। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों के बीच ऐसे ही छोटी मोटी शरारत भरी बातें चलती रहती थी, जिससे कि उनके रिश्ते में शादी के इतने सालों के बाद भी ताजगी बनी हुई थी। अब तो दिव्यानी जी के इकलौते बेटे अनुपम की भी शादी हो गई थी और उनकी बहू आंचल भी घर आ गई थी, फिर भी इन दोनों में चुहलबाजी चलती ही रहती थी। तभी उन्होंने देखा कि सामने से नैना चली आ रही है। नैना देवयानी जी के चचेरे भाई की बेटी थी। एक ही शहर में रहने के कारण नैना बीच बीच में यहाँ पर आती रहती थी। उसे देखते ही देवयानी जी ने अपनी बहू आंचल को आवाज लगाते हुए कहा, अरे बहू देखो नैना आई है। आंचल झट से अपने कमरे से बाहर आई और नैना को देखते ही उसे खुशी से गले से लगा लिया। नैना उसे देखकर बोली, क्या भाभी, आपका रंग तो दिन पर दिन पक्का होता जा रहा है। मैंने तो सुना था कि शादी के बाद लड़कियों का रंग और भी खिल जाता है, लेकिन यहाँ तो वो बात नजर नहीं आती। आप एक काम क्यों नहीं करती, आप कोई महंगी वाली क्रीम ट्राई करो ना। यह सुनकर आंचल को जरा भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसने उसे कुछ नहीं कहा। देवयानी जी को भी बहुत बुरा लगा, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। नैना वहां पर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी और उसने आंचल से कहा कि भाभी जरा अदरक वाली चाय और गर्मा गर्म पोहे बना दो, बहुत भूख लग रही है कसम से। आंचल रसोई में चली गई। इधर देवयानी जी उससे बातें कर रही थी, फिर उन्होंने कहा, तुम बैठो, मैं यह रजिस्टर कमरे में रखकर आती हूँ। उसके बाद वह उठकर अपने कमरे में चली गई। ओम प्रकाश जी भी बाहर टहलने के लिए चले गए। फिर नैना अपना मोबाइल यूज करने लगी। तभी आंचल नाश्ते की ट्रे लेकर बरामदे में आई। रसोई की गर्मी से उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसे देखकर नैना फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे भाभी जरा मुंह धोकर आ जाओ, पसीने की वजह से तो आपका रंग और भी काला दिखता है। आंचल को बहुत तेज गुस्सा आया, फिर भी वो अपना चेहरा साफ करने के लिए चली गई। जब वो चेहरा साफ करके आई तो अपने लिए कप में चाय निकालने लगी तो नैना ने एक चम्मच पोहा अपने मुंह में डालते हुए कहा, अरे भाभी चाय थोड़ी कम पिया करो, नहीं तो और काली हो जाओगी। अब तो आंचल से सहन नहीं हुआ और वह बोल पड़ी, मैं तब से सुने जा रही हूँ और आप कुछ भी बोलती जा रही हो, आपको बात करने की तमीज नहीं है क्या? ये किस तरीके से बात कर रही हो आप मुझसे? मैं आपका लिहाज करती जा रही हूँ तो क्या इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी बोलती जाओगी? वैसे तो आंचल हमेशा खामोश रह जाती थी, लेकिन आज उसे इस तरह बोलते हुए देखकर नैना एक पल को सकपका गई, लेकिन अगले ही पल वो बोलने लगी, क्या हो गया भाभी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? आप काले रंग की हो तो काले को काला नहीं कहूंगी तो और क्या कहूंगी? आंचल गुस्से में बोली, मेरे रंग की चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप जो इतना हीरोइन बनकर घूमती रहती हो, बालों में तेल नहीं लगाती हो, तरह तरह के हेयर स्टाइल बनाती हो, पार्लर जाकर बाल सेट करवाती हो, मुझे तो लगता है कि आप टकली हो जाओगी, पहले आप अपने बालों का ध्यान रखो, उसकी भाभी आंचल ने उसे करारी चोट पहुंचाते हुए कहा तो नैना स्तब्ध रह गई। तभी आंचल की सास आई और गुस्से में बोली कि नैना तुम्हें अपनी भाभी से ऐसी बात कहते हुए शर्म नहीं आती क्या? नैना अवाक रह गई और कहने लगी, बुआ आप भी मुझे ऐसा कह रही हो, आपने सुना नहीं भाभी ने अभी मेरे बालों को लेकर क्या कहा? आंचल बिल्कुल खामोशी से अपनी सास की ओर देखने लगी तो देवयानी जी ने कड़क स्वर में कहा, हाँ मैंने सुना कि मेरी बहू ने क्या कहा, और मैंने यह भी सुना कि उससे पहले तुमने मेरी बहू को क्या कहा। आंचल जरा सांवली है तो तुम्हें उसका मजाक उड़ाने का अधिकार मिल गया क्या? बहू ने तुम्हें अच्छा ही जवाब दिया है, सच में तुम्हारे बाल तो उड़ते जा रहे हैं।
ऊपर से तुम इतनी मोटी भी हो, अगर कोई तुम्हें मोटी मोटी कहकर चिढ़ाए और कहे कि तुम ज्यादा मत खाओ वरना मोटी हो जाओगी, बालों में तेल लगाओ नहीं तो तुम्हारे बाल गिर जाएंगे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? किसी को भी दूसरे की शारीरिक बनावट और रूप रंग पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, और तुम तो यहाँ मेरे घर में आकर मेरी ही बहू को जलील कर रही थी। मेरी बहू चाय पिए, कॉफी पिए या जो इच्छा हो खाए पिए, इससे तुम्हें क्या? इसके रंग से इसके पति को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना इसे कोई फर्क पड़ता है और ना मुझे कोई फर्क पड़ता है, तो तुम इसे सुनाने वाली कौन होती हो? इसलिए आज के बाद से आंचल के रंग को लेकर तुम इससे कुछ मत कहना। मैं बहुत दिनों से देख रही थी कि तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही खुल गया है। तुम जब भी आती हो बहू के रंग को लेकर मजाक उड़ाती हो, लेकिन यह ठीक बात नहीं है। माना कि तुम गोरी हो, लेकिन कुछ कमियां तुम्हारे अंदर भी हैं, क्योंकि परफेक्ट तो कोई नहीं होता है, और तुम्हारी सबसे बड़ी कमी तो तुम्हारी सोच और तुम्हारा व्यवहार है। कम से कम मेरी बहू आंचल की सोच तो अच्छी है, वह किसी का भी बिना मतलब अपमान नहीं करती है, लेकिन तुम्हें देखो, तुम तो अपनी भाभी का मजाक उड़ाने से एक बार भी पीछे नहीं हटती हो। कल को तुम्हारी शादी होगी, ससुराल में भी तुम्हारी ऐसी हरकतें रही तो तुम्हारी गृहस्थी कैसे चलेगी? तुम पहले अपने आप को देखो, अपने अंदर बदलाव लाओ, बाद में किसी के रूप के ऊपर छींटाकशी करना। देवयानी जी की बात सुनकर नैना की बोलती बंद हो चुकी थी, वह शर्मिंदा सी चुपचाप सिर झुकाए बैठी थी। आंचल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। वैसे तो उसने बचपन से ही अपने रूप रंग को लेकर बहुत कुछ सुना था, लेकिन उसके माता पिता ने कभी उसे हीन भावना से ग्रसित नहीं होने दिया। वो उसे हमेशा समझाते थे कि इंसान को अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, रूप रंग तो भगवान की देन होती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि शादी के बाद ससुराल में भी उसे इतना प्यारा परिवार मिलेगा जो ऐसी मुश्किल परिस्थिति में उसका साथ देगा। वो झट से जाकर अपनी सास के गले लग गई। देवयानी जी ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरते हुए कहा कि मेरी बहू मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है, क्योंकि मेरा घर किसी और की सुंदरता से नहीं चलता, बल्कि मेरी बहू की सुंदर सोच से चलता है। इसलिए मेरी बहू मेरे लिए सबसे खास है और महत्वपूर्ण है, आंचल भरे गले से बोली। धन्यवाद मम्मी जी, आज इसी बहाने कम से कम मुझे यह तो पता चला कि मुझे कितनी प्यारी माँ मिली है। यह सुनकर देवयानी जी भी भावुक हो गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम इतनी प्यारी हो, हमारे घर में तुम जब से आई हो तब से यह घर खिलखिलाने लगा है, हमेशा ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहना। उन दोनों का प्यार देखकर नैना वहां पर और रुक नहीं पाई और चुपके से दरवाजे से निकलकर बाहर चली गई। दोस्तों, कोई भी यदि घर के किसी भी सदस्य का मजाक उड़ाने की कोशिश करे, ऐसे समय में परिवार के बाकी लोगों को मजबूती से उसका साथ देना चाहिए। इससे एक दूसरे के प्रति भरोसा बढ़ता है और रिश्तों में भी मजबूती आती है।